तो गाइस आज की इस वीडियो को देखने से पहले तुम लोग की वो माउस मत खरीदना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि वो माउस के कुछ एडवांटेजेस और उसके यूज करने के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो उसका सबसे पहला एडवांटेज जो है कि तुमको को कैमरा पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए सेटिंग में नहीं जाना पड़ता। तुम्हें F5 नाम का बटन मिलता है, उससे तुम वन क्लिक में कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो। और जो उसका दूसरा ऐप होता है कि तुम लोगों को इसमें बटन हाइड हो जाते हैं, और अगर तुम कंटेंट क्रिएट तो तुम्हारे ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और इसका जो तीसरा एडवांटेज है, तुम लोगों को इससे पीवीपी अच्छी कर सकते हो। तुम लोग अपनी मोबाइल से भी कर सकते हो, पर अगर इसमें तुम प्रैक्टिस करो तो इससे बहुत अच्छी पीवीपी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे तुम यूट्यूबर्स की पीवीपी देखते हो वैसी। और यहाँ पे चौथा और सबसे मेन एडवांटेज मजा। अगर तुम लोग मोबाइल में हाथ से खेलो उसमें तुम्हें गेम खेलने में मजा तो आएगा, पर कीबोर्ड माउस से खेलने का कुछ अलग ही मजा आता है, जो भाई तुम जब खुद खेलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तुम्हारा चाहे 2GB रैम वाला हो, 3GB रैम वाला हो या 4GB रैम वाला फोन, तुम्हारा इसमें लैग शुरुआत में नहीं करेगा। शुरुआत में जैसा नॉर्मल चलता है वैसे ही चलेगा, और थोड़ी देर बाद फोन हीट करेगा और तुम्हारा गेम लैग करने लग जाएगा। तो और तुम्हारी बैटरी भी ज्यादा जल्दी ड्रेन होगी, क्योंकि इसमें जितनी भी लाइट चल रही है, जितना भी मतलब ये कीबोर्ड माउस चल रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हारे फोन की एनर्जी से ही जा रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मैंने खुद चला के देखा है, पर पड़ता है। अगर तुम ज़्यादा लंबे टाइम तक खेलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे फ़ोन की बैटरी पे इन कीबोर्ड माउस का। और यहाँ पे जो दूसरा डिसएडवांटेज है कि तुम लोगों अगर सही से नहीं खेलते तो तुम मतलब दूर रख के खेलोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें कोई अच्छे से इसे ऐसे टाइप से प्लेस करना पड़ेगा कि तुम्हें पास ही हो स्क्रीन, वरना तुम्हें बटन वगैरह अच्छे से मतलब स्क्रीन पर जो भी चल रहा है वो दिखेगा नहीं। तीसरा डिसएडवांटेज है कि कई लोगों का राइट क्लिक वर्क नहीं करता। अब मुझे भी नहीं पता क्या सॉल्यूशन है, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे पहले मेरा जो फ़ोन था वो 13 एंड्रॉयड 13 था उसमें, और उसमें राइट क्लिक में कभी कभार प्रॉब्लम आती थी, पर वो अच्छे से चलता था। और एंड्रॉयड 14 है अगर तुम्हारे में, तो तुम्हारे में राइट क्लिक की प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। लेटेस्ट एंड्रॉयड के वर्जन में राइट क्लिक की प्रॉब्लम नहीं आती, वहीं अगर ओल्ड एंड्रॉयड का वर्जन है तुम्हारे फ़ोन का तो तुम्हारे में राइट क्लिक की प्रॉब्लम आएगी। और जब भी तुम बाय करो उससे पहले तुम अपने फ़ोन की कंपनी डाल के ये गूगल पर ज़रूर सर्च कर लेना कि तुम्हारा फ़ोन OTG सपोर्ट करता है या नहीं। अगर OTG सपोर्ट ही नहीं करता तो तुम्हारा लेना बेकार है कीबोर्ड एंड माउस। और मैं ये सारी बातें ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, मुझे कीबोर्ड माउस से खेलते हुए खुद 3 से 4 साल हो चुके हैं, इसलिए भाई मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कीबोर्ड माउस का। हाँ, ये बात अलग है, PvP में अब भी नूब हूँ, पर अगर तुम लोग कीबोर्ड माउस खरीदते हो तो तुम्हें खेलने में ज़रूर मज़ा आने वाला है। पर एक चीज़ मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा बजट कम है तो कीबोर्ड माउस ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी बजट कम था इसलिए मैंने कीबोर्ड माउस लिया। पर अगर तुम्हारा बजट ज़्यादा है कि अगर तुम 2000 रुपये तक भी खर्च कर सकते हो तो मेरी मानो तो तुम लोग कीबोर्ड माउस ना लेके एक कंट्रोलर ले लो मोबाइल से सपोर्ट जो करता हो। अब आखिर में तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें कीबोर्ड माउस लेना है या फिर नहीं। तुम्हें लेने भी हैं तो मेरी मानो तो ज़्यादा महंगा खर्च ना करके सस्ता ले लो, सस्ता सस्ता। और बिल्कुल भी RGB वाले मत लो। अगर तुम लोग देखो तो 300 रुपये तक का एक सस्ता सा RGB माउस मिलता है, वहीं अगर तुम 300 रुपये का एक नॉर्मल माउस लो तो तुम्हारा वो ज़्यादा टाइम तक चले। और कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड तुम मेरी मानो तो ऑनलाइन ना खरीद के ऑफलाइन खरीदो, क्योंकि ऑफलाइन तुम्हें 200 रुपये तक का एक अच्छा सा कीबोर्ड मिल जाएगा। बाकी OTG वगैरह जो है वो तो तुम ऑफलाइन ही खरीदना, ऑनलाइन लेना बहुत बेकार है। अभी चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस बार वीडियो लेट इसलिए हो गई क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मुझे एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं तुम लोगों के लिए सबसे सस्ते से सस्ता जो मुझे ऑनलाइन मिलता है वो पूरा सेट मैं तुम लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और डिस्कॉर्ड सर्वर भी है मेरा एक, तो तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम बातें भी कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।